उसी जगह मौजूद हूँ जहाँ सुबह ये बड़ा हादसा हो गया जिसमें 4 से 5 लोगों की जान चली गई है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये आज सुबह एक सूचना हम लोगों को कंट्रोल के माध्यम से मिली थी कि ये सेक्टर की दीवार के बगल में जो नाला, इसकी मरम्मत का काम चल रहा था, इसकी सिल्ट को सफाई का काम चल रहा था, उसी दौरान जो है ये नाले के ऊपर दीवार गिर गई, उसमें जो मजदूर काम कर रहे थे वो दब गए। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं सीधा नोड़ा थोटी अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। 4 आदमियों की उन्होंने हत्या की है, जबरदस्ती है दीवार, उन्हें पता था दीवार कमजोर है लेकिन उन्होंने ठेकेदारों पर दबाव डाल के जबरदस्ती खुदाई करवाई। लड़के सब जा रहे थे उधर से साफ कर रहे थे, तो मैं इधर से ड्यूटी से जा रही थी, तो गाड़ी वाला ने लड़का ने रघुवीर ने उसने फोन करा पुलिस वाले को, पुलिस वाले भी आए थे, लड़के बोल रहे थे अगर गिर जाएगा गिर जाएगा। तो नोएडा थोटी के इतने सारे प्रोजेक्ट चलते हैं जिनका लोगों को मालूम नहीं होता है। ये दीवार काफ़ी दिनों से जर्जर हो रखी थी और उसको सोसाइटी ने प्लास्टर वगैरह पीओपी वगैरह करा के रिपेयर किया। मांग करते हैं कि उस ठेकेदार को, नोएडा अथॉरिटी के उन अधिकारी को, भ्रष्ट अधिकारियों को जिनकी वजह से ये घटना घटी है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं उसी जगह मौजूद हूं जहां सुबह ये बड़ा हादसा हो गया जिसमें 4 से 5 लोगों की जान चली गई है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी हां, मैं मौजूद हूं जलवायु विहार नोएडा सेक्टर 21 में जहां पर ये हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो दीवार थी जो गिरी है वो करीब 1984-1985 में इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद ये पूरी सोसाइटी जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरी सोसाइटी तब यहाँ पर बसी थी। तो इतनी पुरानी दीवार थी और उसके बावजूद भी खुदाई का यहाँ पर जो ऑर्डर है वो दिया गया जिसकी वजह से हादसा हुआ है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नाले की खुदाई हो रही थी और यहाँ पर नाली बनने की तैयारी हो रही थी जिसमें मजदूर जो है वो काम कर रहे थे। मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कौन सी नाली है जहाँ ये नाली बन रही थी और जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। आप देख सकते हैं मैं उसी नाली की तरफ आगे बढ़ रही हूँ और मैं अपने कैमरा पर्सन से भी कहूँगी कि वो ज़रा जूम करके वो नाली दिखाए। ये वो नाली है, इसका निर्माण जो है ये वो नाली है, इसका निर्माण कार्य वो मजदूर कर रहे थे। और बगल में आप मेरे पीछे दीवार देख सकते हैं, कुछ 6 से 7 फीट की दीवार होगी, मैक्सिमम 8 फीट की दीवार होगी। ये वो दीवार थी जो पहले से ही यहाँ पर मौजूद थी और जब मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे, जो खुदाई कर रहे थे, तभी अचानक से ये हादसा हुआ कि ये दीवार जो है वो पूरी की पूरी, कम से कम आप देख सकते हैं कि यहाँ से वहाँ तक ये दीवार जो है अचानक गिर गई है, जिसमें 12 मजदूर, जो ऑफिशियल बाइट सामने आ रही है, जो अधिकारी बोल रहे हैं उनका कहना है कि 12 से 13 मजदूर काम कर रहे थे, उनमें से 4 की मौत हो गई है और करीब कई लोग घायल हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि नोएडा अथॉरिटी दावे तो बहुत करती है लेकिन कोई ना कोई हादसा ऐसा होता है कि नोएडा अथॉरिटी की पोल खोल कर रख देता है। ऐसा ही हादसा जो है वो जलवायु विहार में हुआ है, जैसा कि जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ। आसपास आप देख सकते हैं बहुत से लोग हैं, जेसीबी लगाई गई है, यहाँ से जेसीबी से मलबा हटाया गया, मलबे के नीचे जो लोग दबे हुए थे उन सभी को वहाँ से हटाया गया है। फिलहाल कहा जा रहा है अधिकारियों द्वारा कि सभी लोगों को जो घायल हुए थे उन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि नोएडा अथॉरिटी की जो सीईओ है ऋतु महेश्वरी, वो तो खुद तो एसी के कमरों में बैठी रहती हैं लेकिन यहाँ जो मजदूर है, जो गरीब के का इंसान है, वो काम करता है और हर बार ऐसा होता है कि हादसे का शिकार हो जाता है। उनकी मौत की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? जो 4 मौतें हुई हैं, जो 5 मौतें हुई हैं, आखिर उस मौत का जिम्मेदार कौन है? ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर नज़र आता है। इसके अलावा सवाल ये भी है कि कई बार सवाल उठते हैं लेकिन अधिकारी सवालों से बचते हुए नज़र आते हैं। आखिर कब तक ये अधिकारी बचेंगे? खुद यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ट्वीट करके इस पर गहरी शोक संवेदना जताई है। साथ ही साथ कहा है जो भी यहाँ पर आरोपी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि हादसे पे हादसे होते रहते हैं, लीपापोती होती है, लेकिन भ्रष्टाचार की ये दीवार, हम इसलिए भ्रष्टाचार की दीवार कह रहे हैं क्योंकि आखिर इसके ऑर्डर क्यों दिए गए? जब पता था कि दीवार खोखली हो चुकी है उसके बावजूद भी उसके बगल में नाली बनवाई जा रही थी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। ये तस्वीरें, ये मंजर आज बेहद डरावना सा दिख रहा है। आज ये मरघट इस बात की गवाही दे रहा है कि यहाँ 4 मौतें हुई हैं
और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि करीब 6 से 7 लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। सर्विस हो रहा था तो मतलब जैसे बोलने की बाउंड्री 8 फुट थी तो मिट्टी दलदल हो गई थी बारिश की वजह से, तो ये जब बाउंड्री गिरी तो मतलब इसमें कहा जा रहा है 8 मजदूर दबे, जिसमें कि मतलब 4 तो मौके पे स्पॉट डेट हो गए और 2 अभी घायल हैं मतलब कहा जा रहा है। कितने दिनों से नाले का निर्माण यहाँ पे चल रहा था? मतलब एक सप्ताह से चल रहा था। क्या उससे पहले कोई अधिकारी यहाँ पर पहुँचा हो, उन्होंने जाँच की हो? नहीं, ये तो नोएडा अथॉरिटी वाले का वर्क है ना। अथॉरिटी वाले आए थे? नहीं, ये वो मजदूरी और ठेकेदारी जानते होंगे। देखिए मैम, यहाँ पे नोएडा अथॉरिटी के इतने सारे प्रोजेक्ट चलते हैं जिनका लोगों को मालूम नहीं होता है। ये दीवार काफ़ी दिनों से जर्जर हो रखी थी और उसको सोसाइटी ने प्लस्टर वगैरह POP वगैरह करा के रिपेयर किया, लेकिन उसकी बुनियाद कुछ जाँच नहीं किया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। ये तो शुक्र करो कि मजदूर मरे हैं। रेडन के बच्चे भी यहाँ पर खेलते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर खड़े रहते हैं छाँव के इंतजार में, काफ़ी लोग क्योंकि ऑन रोड ग्रीनरी है, ये ग्रीनरी एरिया, धूप से बचने के लोग यहाँ पे खड़े होते हैं, किसी के साथ भी कोई भी एक्सीडेंट हो सकता था। मैं नोएडा थोड़ी सी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी प्रोजेक्ट करे कम से कम बड़े से बड़ा अधिकारी आके उसको जाँच करे, उसकी पुख्ता जाँच करे, तब जाके, और जिन लोगों की वजह से हुआ हादसा उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हाँ, हुए थे। क्या कुछ देखा आपने, कैसे हादसा हुआ, कैसे दीवार गिरी, कितने लोग? वो लड़के सब जा रहे थे उधर से, साफ कर रहे थे, तो मैं इधर से ड्यूटी से जा रही थी, तो गाड़ी वाला ने लड़का ने रघुवीर ने उसने फोन करा पुलिस वाले को, पुलिस वाले भी आए थे, लड़के बोल रहे थे अगर गिर जाएगा गिर जाएगा, तो अचानक से वो लड़का बचाओ बचाओ करा था और ना अचानक से दीवार गिर गए थे, पुलिस वाला आए थे, फिर उसके बाद में पुलिस वाला आए, एम्बुलेंस भी आए थे, मैं इधर से ड्यूटी करके जा रही थी। तो जब ये हादसा हुआ उस वक्त कितने लोग आपने देखे, कितने मजदूर थे जो काम कर रहे थे? 12-13 लोग थे। 12-13 थे। हाँ, और जो फिर हादसा हुआ, प्रशासन कह रहा है कि 4 लोगों की मौत हुई है, आप लोग यहीं पे मौजूद हैं, बहुत देर से देख रहे हैं। 4 लोग तो मरे थे, हमारे सामने भी 4 लोगों को पकड़ के निकाले थे। तो जब आप देख रहे थे तो दीवार गिरने वाली थी, गिरी नहीं थी? नहीं, गिर गई थी दीवार। हाँ, दीवार गिर गई थी। उसके बाद फिर आपने जो लोग यहाँ पे थे उन्होंने पुलिस को फोन किया, फिर उसके बाद एम्बुलेंस पहुंची। और थे गाड़ी वाला, उस लड़के ने फोन करा था एम्बुलेंस वाले को। सवाल सिर्फ ये नहीं कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, सवाल ये है कि ये क्या वाकई हादसा है या फिर हत्या है। ये दीवार जो अब मलबे में तब्दील हो चुकी है, ये पूरी तरह से जर्जर थी, इसकी नींव खोखली हो चुकी थी, जांच नहीं की गई, सीधा टेंडर निकाल दिया गया, लाखों का टेंडर, और फिर ये दीवार मौत की गवाह बन गई। सेक्टर 21 में जलवायु विहार के बगल के नाली के रिपेयर के कार्यों को नोएडा अथॉरिटी द्वारा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और कॉन्ट्रैक्टर के लेबरर द्वारा यहाँ काम कराई जा रही थी, और जो ये बाउंड्री वॉल है उस वक़्त जो प्रथम दृष्टिया अभी तक जो लोगों ने सूचना दी है, इसकी जांच भी कराई जाएगी विस्तृत रूप से, जो दीवार उस वक़्त जो गिरा है वो जो वहाँ जब उस वक़्त जो लेबरर थे वो जो नाली रिपेयर जो करने वाले लेबरर थे जिसके लिए नोएडा अथॉरिटी ने कॉन्ट्रैक्ट दी थी, तो वो ईंट जब निकाल रहे थे तो बगल के दीवार की ईंट उनके ऊपर गिरी और उससे ये हादसा हुई है। बाकी इसकी विस्तृत जांच कराई जाएगी और तथ्यों को पता कराई जाएगी। नाले के ऊपर दीवार गिर गई, उसमें जो मजदूर काम कर रहे थे वो दब गए हैं, इसमें तत्काल लोकल पुलिस, एम्बुलेंसेज और रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कराया गया और इसमें 12 लोग काम कर रहे थे, 4 लोगों की जो है वो दुखद मृत्यु हो गई है, एक घायल है जो ठीक है और बाकी लोगों को बचा लिया गया। सर, जैसा कि हमने दीवार को देखा, ऐसा लग रहा है कि बहुत पुरानी ये दीवार थी, क्या खुदाई करने से पहले ये देखा नहीं गया था, जांचा नहीं गया था कि कोई भी हादसा हो सकता है? ये जब सेक्टर एस्टेब्लिश हुआ था ये दीवार तब की है और इसके जस्ट बगल में जो है वो ये नाला है जो पानी की जो भी ड्रेनेज सिस्टम है उसको जो है वो बाहर करता है, तो उस ड्रेनेज सिस्टम की सफाई चल रही थी उसी दौरान जो है ये दीवार गिरी है। अब ये कंस्ट्रक्शन
के जो भी टीम है अथॉरिटी की, वो इसको एग्जामिन करेगी कि क्यों ये किस तरह से हादसा हुआ। बहरहाल परिजन जो भी तहरीर दे रहे हैं उसके आधार पर मैं एफआईआर दर्ज कर रहा हूं। 9 बजे की घटना की सूचना प्राप्त हुई है, सेक्टर 21 नोएडा में जलवायु विहार सोसाइटी है, जो एक पुरानी सोसाइटी है। सोसाइटी की अपनी बनाई हुई वॉल है और जो शायद खराब हालत हो गई थी वो आज सडनली मॉर्निंग में कोलैप्स हुई है। जो सोसाइटी के बाहर का ड्रेन है उसका रिपेयर का काम चल रहा था, नोएडा अथॉरिटी के कॉन्ट्रैक्टर द्वारा टेंडर के माध्यम से काम कराया जा रहा था। तो जो लेबर मौके पे ड्रेन रिपेयर करा रही थी वो जब दीवार कोलैप्स हुई तो वो उसके ट्रैप में आ गई। लगभग 13 या 12 लोग थे मौके पे, उनमें से 4 की डेथ हो गई। इस तरह के हादसे क्या पहले नहीं हुए? होते हैं और हर बार हादसे दिखाकर मामले को बंद भी कर दिया जाता है। सियासत भी बहुत होती है, लेकिन कब तक ऐसे मामलों को हादसे बताकर बंद कर दिया जाएगा और फिर सब पहले जैसा होगा? आखिर क्यों? क्या इस मामले में उन भ्रष्ट अधिकारियों के घर बुलडोजर चलेगा जो जिम्मेदार हैं, या फिर से ये मामला भी महज हादसा करार देकर बंद हो जाएगा? सवाल ये भी है कि आज जो तस्वीरें डरा रही हैं, और क्या इस पूरे मामले पर वाकई कोई एक्शन लिया जाएगा, वाकई इस पूरे मामले को उजागर किया जाएगा कि आखिर इसकी संलिप्तता किस किस की है इस पूरे मामले में? क्योंकि इस दीवार के नीचे, इस मलबे के नीचे कई जिंदगियां दफन हो गई हैं। देखो, हादसे के बहुत दुखद है, 4 मजदूरों की मौत हो जाना, 10 लोग घायल हैं, ये बड़ी दुखी घटना है और समाजवादी पार्टी उनके परिवार के साथ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कहीं ना कहीं नोएडा अथॉरिटी इतने बड़े लेवल पे काम कर रही है और उन्होंने ये भी देखा कि यह दीवार गिर सकती है, इतनी बड़ी दीवार है। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं सीधा नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। 4 आदमियों की उन्होंने हत्या की है जबरदस्ती। ये दीवार, जो उन्हें पता था दीवार कमजोर है, लेकिन उन्होंने ठेकेदारों पे दबाव डाल के जबरदस्ती खुदाई करवाई, उसका नतीजा ये हुआ कि बेचारे 4 गरीब आदमी अपनी जान से धो बैठे, उनका बच्चा, उनका परिवार पूरा पीछे है। और ऊपर से आके मुझे बताया भी लोगों ने कि 4 लाख पे घोषणा, यानी ये गरीब की मौत की कीमत सिर्फ 4 लाख पे उन्होंने लगाई है। हमारा मानना ये है, समाजवादी पार्टी ये कहती है सरकार से कि इन लोगों को 50-50 लाख रुपये दिए जाएं और जो घायल हैं उनको 10-10 लाख रुपये दिए जाएं। और जो भी नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी इस काम में जो वो इसके पीछे हैं, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए, चाहे वो कोई भी हो। आज हम सब लोग यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं क्योंकि सुबह आज आपने देखा कि कितनी दर्दनाक घटना हमारे नोएडा में घटी है, जिसमें हमारे 4 मजदूर भाइयों को मौत के घाट उतरना पड़ा, जिनके कारण ये घटना घटी। हम लोग मांग करते हैं कि उस ठेकेदार को, नोएडा अथॉरिटी के उन अधिकारियों को, भ्रष्ट अधिकारियों को जिनकी वजह से ये घटना घटी है, उनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए, उनको तत्काल प्रभाव से जेल में डाला जाए। क्योंकि जब आप बिना कसूर आम आदमी को जेल में डालने का काम कर सकते हो, यहाँ तो 4 लोगों के जीवन और मृत्यु का सवाल है, यहाँ तो 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हम चाहते हैं कि ऐसे उस हत्यारे ठेकेदार पर और जो उनके साथ अधिकारी, नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी उसमें लिप्त हैं, उन सब के ऊपर मुकदमा दर्ज करके उनको जल्द से जल्द जेल में डाला जाए। और जो भी हमारे 4 मजदूर साथी, हमारे भाई जो इसमें अपने, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उनको 50 लाख रुपए मुआवजा मिले और जो हमारे साथी, जो 9 मजदूर साथी जो हमारे इंजर्ड हैं, उनको 20 लाख रुपए मुआवजे की मांग कांग्रेस पार्टी करती है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं उसी जगह मौजूद हूँ जहाँ पर सुबह अब से कुछ घंटे पहले ये घटना घटी। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से हमने बात की, उनका साफ तौर पर कहना था कि जब यहाँ पर आम जनता, हम लोग यानी कि निकल रहे थे रास्ते से, तब हमने देखा कि यहाँ से आवाज़ आ रही थी, जो मजदूर दबे थे वो बचाव बचाव करके चिल्ला रहे थे, कुछ लोग दौड़े, उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, उसके बाद एम्बुलेंस भी मौके पर पहुँची, लेकिन उनका कहना था कि पुलिस वाले हाथ नहीं लगा रहे थे। ये सबसे बड़ा सवाल है, इंसानियत के नाम पर कहीं ना कहीं ये धब्बा है कि आप भले ही प्रशासन हो, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सबसे पहले उनको निकालें, क्योंकि वो लोग तड़प रहे थे। कुछ लोगों की लोगों का कहना है जो देख रहे थे कि कुछ लोगों की तड़प तड़प कर मौत हुई है, कुछ लोगों की दबने से मौत हुई है, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज चल रहा है। अब उनमें से कितने लोग ठीक होंगे ये भी कहीं ना कहीं कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना हर कोई कर रहा है कि जो लोग घायल हैं वो जल्द स्वस्थ हो जाएं, ताकि किसी का परिवार ना उजड़े। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर जो टेंडर दिया गया था वो लाखों का था, टेंडर पास क्यों किया गया जब पता था कि यहाँ पर जो पूरी तरह से बाउंड्री वॉल है वो खोखली हो चुकी है, बरसात का सीज़न है, बरसात में क्यों टेंडर
टेंडर दिया गया। इसके अलावा जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई कब होगी, और इसके अलावा जो सीईओ हैं ऋतु महेश्वरी, वो इस पूरे मामले पर किस तरह से एक्शन लेगी। कैमरा पर्सन सरताज के साथ मैं काजोल नारायण, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। उसी जगह मौजूद हूँ जहाँ सुबह ये बड़ा हादसा हो गया जिसमें 4 से 5 लोगों की जान चली गई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये आज सुबह एक सूचना हम लोगों को कंट्रोल के माध्यम से मिली थी कि ये सेक्टर की दीवार के बगल में जो नाला, इसकी मरम्मत का काम चल रहा था, इसकी सिल्ट को सफाई का काम चल रहा था, उसी दौरान जो है ये नाले के ऊपर दीवार गिर गई, उसमें जो मजदूर काम कर रहे थे वो दब गए। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं सीधा नोड़ा थोटी अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। 4 आदमियों की उन्होंने हत्या की है, जबरदस्ती है दीवार, जो उन्हें पता था दीवार कमजोर है लेकिन उन्होंने ठेकेदारों पर दबाव डाल के जबरदस्ती खुदाई करवाई। लड़के सब जा रहे थे उधर से, साफ कर रहे थे, तो मैं इधर से ड्यूटी से जा रही थी, तो गाड़ी वाला ने लड़का ने रघुवीर ने उसने फोन करा पुलिस वाले को, पुलिस वाले भी आए थे, लड़के बोल रहे थे अगर गिर जाएगा गिर जाएगा। तो नोएडा थोटी के इतने सारे प्रोजेक्ट चलते हैं जिनका लोगों को मालूम नहीं होता है। ये दीवार काफ़ी दिनों से जर्जर हो रखी थी और उसको सोसाइटी ने प्लास्टर वगैरह पीओपी वगैरह करा के रिपेयर किया। मांग करते हैं कि उस ठेकेदार को, नोएडा अथॉरिटी के उन अधिकारी को, भ्रष्ट अधिकारियों को जिनकी वजह से ये घटना घटी है, उनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए।